अली जफर के खिलाफ जाली मी टू मुहिम का ड्रॉप सीन। FIA साइबर क्राइम विंग ने मीशा शफी और इफ़त उमर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जेलों में तहरीक इंसाफ का मकामी रहनुमा पुलिस हिरासत में, जहां बाग मुतवफी के भाई का पुलिस पर तशद्दुद करके मारने का इल्ज़ाम। लेजेंड बॉलीवुड अदाकार यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार की पाकिस्तानी रिहाइश के बतौर तारीखी इमारत तहफ़ पर इनकी अहलिया अदाकारा सायरा बानो का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। लीगी अराकीन पंजाब असेंबली की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करने वाले नून लीग के रुकन असेंबली भी शामिल। पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर यूनिवर्सिटी में तालिबात के सामने फैश हरकत और नेज़ेबा इशारे करने वाले मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। शौकत खानम हस्पताल पर इल्ज़ामात, अदालत की जानिब से हनीफ अब्बासी पर भारी जुर्माना आयद। चकवाल में पुलिस एहलकारों ने कमसन बच्चे को चर्च वाले सिगरेट भरने पर लगा दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इस हफ्ते से घर बनाने के लिए बैंकों की जानिब से कर्ज दिए जाने का आगाज होगा। मारूफ मिजाइया एनिमेटेड सीरीज फैमिली गाय में PSL से मुतालिक चुटकला इंटरनेट सार्फिन की तवज्जो का मरकज। खबरदार, होशियार, एहतियात कीजिए। रावलपिंडी में ATM स्कैमिंग डिवाइस पकड़ी गई, दर्जनों शहरी अपने पैसों से महरूम। मोदी सरकार फस्तानियत की मेराज पर, हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल को ही ड्रा धमका कर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके मुल्क में काम करने पर मजबूर कर दिया। तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला, नून लीगी तहकीकाती कमेटी का इंकशाफ। इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए, हम पहले भी सरखरू हुए थे, अब भी अल्लाह के फजल से। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ के मफरूर साहिबजादे सलमान शहबाज का रद्द अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर नजम सेठी के यू टर्न, देखिए जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी तब नजम सेठी क्या कहा करते थे, और गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट गिरी तो नजम सेठी ने क्या कहा। अगर हम बिगड़ गए तो अमेरिका का जो हाल अफगानिस्तान में हुआ है वही हाल तुम्हारा कर देंगे, मौलाना फजलुर रहमान। हम कोर कमांडर के घर के सामने एहतजाज करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे, हम कच्चे चने नहीं, हम डरने वाले नहीं। इन्होंने भड़ों के छत्ते में हाथ डाला, मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान की धमकियां। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी, अमेरिका ने कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल स्टूडेंट्स वीज़ा सर्विस बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी साफी डैनियल परल के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की बरीयत के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए रिहाई मुअख्खर कर दी। कौम ये तवक्को कर रही थी कि आसिम बाजवा को पकड़ा जाएगा, इनसे पूछगछ की जाएगी, लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। नवाज शरीफ का आसिम बाजवा से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ अंदर गए, कल हम सब ने अंदर जाना है, एक दिन ये सब होना ही है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर आसिफ जरदारी का रद्द अमल। तुर्क फिजाइया के F-16 तैयारे ने आर्मेनिया का रूसी साख्ता जदीद SU-25 जंगी तैयारा मार गिराया, हमले में आर्मेनियाई फाइटर जेट का पायलट भी हलाक।
लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में पेश रफ्त मुतासरा खातून ने मुलजिमान को शनाख्त करने और बयान देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबके लिए लम्हे फिक्रिया है। अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों का 11 अक्टूबर को पीडीएमए के तहत पहला जलसा का ऐलान।